और कैसी चल रही है जिंदगी सो हाई टू एवरी वन वेरी वेरी गुड इवनिंग है तो आज हम लोग statistics complete करेंगे. तो how are you all? Nice अच्छा ओ, हो, हो, हो ये गड़बड़ हो गया मैं गा रहा था और बीच में ये इसने लाइव कर दिया धक्त तेरी ओके तो कैसे हैं आप लोग अब मुझे पता है अभी ये वापस से वो हो जाना है फिर से बच्चे इतना सा काट लेंगे बना देंगे उसके बाद

चलिए तो आई होप सारे लोग मजे में हैं शानदार हैं जिंदाबाद हैं जबरदस्त हैं सारे लोग मजे में है चलिए लेट हाँ थोड़ा सा लेट हो गया सॉरी फॉर दैट चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों आज आज का का स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स सेशन है आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे वन शॉट का वीडियो है तो पूरा रिविजन होने वाला है स्टैटिस्टिक्स का तो चलो शुरू करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं शुरू करने के पहले एक हम्बल सा रिक्वेस्ट सारे लोग जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाई हिटिंग दट लाइक बटन और जिन्होंने वीडियो जिन्होंने चैनल चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, कर दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ आपको हर एक काम की चीज़ इसी चैनल पे मिलने तैयार है सारे जल्दी बताइए सारे लोग बढ़िया शुरू करने के लिए तैयार हैं सारे यस मार्ग अटेंडेंस मार्ग कर दिया दैट्स ग्रेट फेंटेस्टिक और सब्सक्राइब भी कर दिया चैनल सारे लोगों ने सब्सक्राइब ओके सब्सक्राइब कर दिया हूँ सर हाउ इज़ द जोश जोश इज एकदम अल्ट्रा हाई ओके चलिए तो शुरू करते हैं शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड आज हमारा सैटरडे शनिवार का दिन एक बजे सेशन होने वाला था लेकिन एक्चुअली हुआ यूं मैंने ऑन किया सिस्टम और जैसे ही सेशन लेने वाला था मेरे पूरे घर की बिजली चली गई तो मैंने बोला बिजली आ बिजली आ बिजली आ बट बिजली नहीं आई नहीं आई नहीं आई एक्चुअली हुआ यूँ कि बैंगलोर में कुछ तो कुछ तो गड़बड़ है इसके कारण से आज सुबह चार पाँच घंटे बिजली गायब थी तो सुबह पाँच मतलब फाइव टू सिक्स आवर्स गायब थी सुबह मॉर्निंग फाइव ओ से ही गायब थी तो मेरा इन्वर्टर सुबह पाँच बजे से ऑन था और इन्वर्टर हमेशा ऑन ही रहता लाइक इन्वर्टर का काम ही है ऑन रहना बट uh, पता थोड़ी था कि यार पांच छे घंटे लाइन नहीं आने वाला है तो इन्वर्टर बचा के रखता मैं बट खार पता नहीं था फाइव सिक्स आवर्स के बाद इन्वर्टर एग्जॉस्ट हो गया तो उसके कारण से पोपट हो गया तो खैर एनी वेस्ट नो इशूस चलिए शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल हियर वी गो वन शॉट तो ये हूँ मैं ये है मेरे बारे में थोड़ी जानकारी और ये है वन शॉट स्टैटिस्टिक्स ठीक है चलिए शुरू करते हैं अब स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको याद है बताया था डेटा के बारे में आपको याद है बताया था कि घर घर जाके जनगणना करते हैं लेकिन मार्ग जक्रबक को ऐसे डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी तो घर घर जाके जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं उस डेटा को हम रॉ डेटा कहते हैं या प्राइमरी डेटा कहते हैं और उसको हम प्रोसेस करा दें तो उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं स्टैटिस्टिक्स की जरूरत भी मैंने बताई थी आप लोगों को अगर याद हो कि कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो बिना स्टैटिस्टिक्स के प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में स्टैटिस्टिक्स का काफी बड़ा रोल है ठीक है ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है पहले सेशन में कितने लोग आए थे पहले सेशन में हाउ मेनी ऑफ वर देर बिजली तो आप ही अच्छा, बेटा कौशिकी अच्छा कितने लोग हाँ कोड कोट दे रहे हैं अनुष्का जी रुक जाइए कोट दे रहे हैं आए थे आप लोग सारे लोग अरे वाह बहुत बढ़िया चलिए अच्छी बात है तो बढ़ते हैं आगे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा हो गया प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा हमने इसमें भी देखा था कि दो टाइप का हमने प्रेजेंटेशन देखा था एक बार ग्राफ और एक हिस्टोग्राम ठीक है और इसमें एक बच्चे ने मुझे बताया था याद करने का बहुत ही अच्छा सा तरीका कि बार दूर है बार दूर है तो बार हमेशा घर से दूर होता है तो बार दूर है तो बार में हम देखेंगे कि दूर दूर आ, वो रहते हैं कॉलम्स रहते हैं और हिस्टोग्राम में चिपके चिपके रहते हैं तो हमने ये दो देखा था तो रॉ डेटा का रिप्रेजेंटेशन तो नहीं होता वो बहुत ही सिंपल सा है बट रॉ डेटा मतलब जो भी डेटा हमने लिखा उसको एज इट इज लिख दिया है लेकिन सेकेंडरी डेटा या जो uh, आपका प्रोसेस डेटा होता है उसमें बहुत तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं या तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ले लो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये कि हम एक क्लास इंटरवल बनाते हैं इस क्लास इंटरवल में कितने लोग हैं वो हम देखते हैं और इसी में आपको याद होगा कि हमने ये भी बात किया था कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव होता है याद है कितने लोगों को याद है सर मेरे घर के पास बार है अच्छा सिकंदर अली बहुत बहुत बार बार कर रहे हो बेटा बाबूजी को पता चल गया ना अली साहब कि आप घर के पास में बार है उसकी बातें कर रहे हैं तो बाबू जी बहुत धोएंगे सही बता रहा हूँ तो बार के बारे में बातें ना करें चलिए याद है बहुत अच्छी बात अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने देख लिया था क्लास साइज हमने देखा था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उसके बाद क्लास मार्क का फॉर्मूला था क्लास मार्क इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई टू मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज ये भी हमने फॉर्मूला देख रखा था याद आ रहा है सबको कुछ भूले तो नहीं हो उम्र तो नहीं हो चली सब कुछ याद है ना चलो बहुत ही बढ़िया डू यू रिमेंबर मी सर यस से आदित्य कुमार मौर्य आई डू रिमेंबर यू चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसके बाद हमने एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव पढ़ा था

तो ये सारी चीजें इसे हम कहते हैं इंक्लूसिव फॉर्मेट क्योंकि यहां पे सारी वैल्यूज इंक्लूडेड हैं जीरो और नाइन दोनों इंक्लूडेड है इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्मेट क्योंकि यहां पे जो आखिरी वाला वैल्यू है वो एक्सक्लूडेड है टेन एक्सक्लूडेड है ट्वेंटी थर्टी ये सब एक्सक्लूडेड है इसमें हमने ये भी देखा था कि इस एक्सक्लूसिव फॉर्मेट को हम कंटिन्यूस फॉर्मेट भी कहते हैं क्या कहते हैं कंटिन्यूस डेटा रिप्रेजेंटेशन क्यों कंटिन्यूस कहते हैं इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूअस इसको डिसकंटिन्यूस कहते हैं क्यों क्योंकि नाइन और टेन के बीच में डिसकंटिन्यूटी है समझ पा रहे हो यह भी हमने देखा था कंटिन्यूस और डिस्कंटिन्यूस बिल्कुल तो यह कंटिन्यूअस होता है और यह डिसकंटिन्यूअस होता है डिसकंटिन्यूस ठीक है चलिए तो यह भी हो गया यह भी रिवाइज कर लिया हमने दिस टीचर्स डे वी ब्रिंग एजुकेशन फॉर ऑल यो 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 पता है एजुकेशन फॉर ऑल कुछ बहुत ही बेहतरीन सा आ रहा है कुछ ध्यान है कुछ क्या क्या है क्या आ रहा है कुछ कुछ आइडिया कुछ आइडिया क्या है ये दिस टीचर्स डे क्या है ये सर क्या वेन नो no. कोई आइडिया नहीं एजुकेशन फॉर ऑल अरे सही में कोई आइडिया कोई आइडिया नहीं आप लोगों के लिए बिग नहीं आप लोगों के लिए बिग बहुत ही बड़ा बिग सरप्राइज है बिग सरप्राइज है टीचर्स डे के लिए गिफ्ट्स, राइट टू एजुकेशन आ रहा है आस पास है बच्चे तो मतलब पकड़ ले रहे हैं कुछ ना कुछ विप्रो आ रहा है अच्छा बहुत क्लोज तो तेरी तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सा आ, क्या कहते हैं सरप्राइज है और वो सरप्राइज आज रिवील होगा मोस्ट प्रोबेबली रात को आठ बजे शायद अभिषेक सर रिवील करने वाले हैं सबसे पहले तो बिग सरप्राइज आज रात को आठ बजे रात को आठ बजे कि क्या होगा टीचर्स डे में एजुकेशन फॉर ऑल क्यों कह रहे हैं क्या है वो बड़ी सी चीज एजुकेशन फॉर ऑल ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले डिस्कस तो ये आज रात को होने वाला है रात को आठ बजे याद रखिएगा ठीक है चलिए तो शुरू करें मेंटी हम लोग तैयार हैं मेंटी के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं जल्दी से बताइए फ्री वीप्रो अब वो मुझे नहीं पता फ्री वीप्रो है कि स्कॉलरशिप है कि राइट टू एजुकेशन है कि वीप्रो के बारे में है या नहीं है हो सकता है वीप्रो के बारे में नहीं हो कुछ बच्चे लिख रहे हैं गिफ्ट है अब वो मुझे नहीं पता वो अभिषेक सर बताने वाले हैं कि क्या है क्योंकि असल पर्दा भाई उठाएगा तो अभिषेक एक प्लस हर्ष अगर नहीं देखो हम दोनों मिल नहीं उठा सकते दोनों मिलकर उठाने का प्लान था लेकिन अभी फिर ट्रैवल करना पड़ेगा रात को कौन ट्रैवल करे मुश्किल है तो मैंने बोला कि भाई तू ही बता दे तो अभिषेक सर आपको बताने वाले हैं ये बिग सरप्राइज नहीं तो हम दोनों साथ आने वाले थे बट ठीक है दोनों को तो आपके लिए वो बिग सरप्राइज आज रात को आठ बजे शुरू होने वाला है तो चलिए वो सरप्राइज तो आप आठ बजे देखेंगे ये मेंटी वाला सरप्राइज अभी मैं दिखाता हूं तो सारे लोग तैयार जल्दी से मिंटी पे जाइए और इसे यार ये फिर से लिंक दिख जाएगा यहाँ पे ऐसा क्या रुक जाओ भाई रुक जाओ मैं लिंक नहीं दिखाना चाहता हूँ तो रुको ईमानदारी के लिए मैं कैमरे को कवर कर देता हूँ और उसके बाद मैं मिनटी खोलूंगा ताकि लिंक ना दिखे ये कै ये कवर कर दिया मैंने कैमरा चलो ब्लैकआउट हो गया अब कुछ नहीं दिख रहा होगा तुमको तो मुझे पता है और अब मैं मिनटी ओपन करूंगा ताकि लिंक ना दिखे किसी को कुछ नहीं दिखना चाहिए लिंक बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए और अब मैं शुरू करने के लिए तैयार हाँ भाई खुल जा देखा? कितना चतुर हूं मैं कितना चतुर हूं मैं देखो किसी को लिंक भी नहीं दिखा और कोड भी दिख गया देख रहे हो चोरी नहीं होनी चाहिए ना नए नए तरीके निकाल हूं देख रहे हो? ऑनलाइन में भी नए नए तरीके चोरी रोकने के लिए इतना चतुर इंसान चलिए जी तो शुरू किया जाए आपका मंटी तो मंटी शुरू करने के लिए मैं तैयार हूं आप लोग जल्दी से अपना नाम सारे बच्चे देख लो सुन लो भैया क्या क्या डालना है तुम्हें तुम्हें अपना नाम डालना है इसमें पिताजी का नाम डालना है किस गांव से बिलोंग करते हो वो डालना है तुम्हारे पास कुल गाय भैंस कितने हैं क्योंकि गांव में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके पास गाय भैंस हैं तो कितने हैं वो डाल दीजिएगा और उसके बाद गांव में कितनी जमीन है खेती की तो कितनी जमीन है जमीन गांव और क्या कहते हैं गाय भैंस ये दोनों ज़रूरी है तभी चल के आगे चल के शादी हो पाएगी बेटा नहीं तो ऐसे बहुत मुश्किल होता है शादी के लिए लड़की वाले या लड़का वाले दोनों देखते हैं कि आपकी गाँव में कितनी ज़मीन है आपके पास कितने गाय भैंस हैं और आपकी कितनी इज्जत है वो सब यहीं से दिखेगा तो यहाँ पे मेंटी में डाल दीजिएगा ताकि आगे चल के जब आपके शादी का टाइम आए तो आप ये दिखा सकें लड़की वाले को या लड़के वालों को कि देखिए हमारा बच्चा या हमारी बच्ची मेंटी में इतने टॉप करते थे और देखिए हमारा ही बच्चा है क्योंकि नाम पिताजी का नाम और गांव का नाम सब सही रहेगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं मैं तैयार हूं शुरू करने के लिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आने के लिए तड़प रहा है तो क्या है इसकी तड़प मिटा दें। दे दें पहला सवाल जल्दी बताओ तड़प रहा है पहला सवाल तुम्हारे पास आने के लिए तो इसकी तड़प मिटाते हैं पहला सवाल दौड़ते दौड़ते आपके सामने ये रहा सवाल कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एक ऑब्जर्वेशन का हाइएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का अगर डिफरेंस निकालिएगा तो वो क्या होता है इतना ज्यादा आसान सवाल ये लोग देंगे मैंने सोचा नहीं था आई गेस सबको आता होगा और जिसको नहीं आता मैं क्या बताऊं अरे वाह सारे लोग आंसर भी लिख रहे हैं चैट बॉक्स में बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया तुम्हारा भविष्य उज्जवल है आपकी शादी जल्दी होगी चिंता ना करें जिसका जिसका सही होगा शादी जल्दी हो जाएगी डोंट हियर वी गो हियर वी गो यो यो सिक्सटी परसेंट बच्चों की शादी होने वाली है क्या बात है शानदार बेटा शानदार बहुत ही बढ़िया और बाकी बेचारे देखो यार एक बात समझो तुम आगे चल के कितने अच्छे भी टीचर बन जाओ कितने भी हैंडसम दिखो बट अगर कुंवरे रह जाओगे तो ज़िंदगी में अकेलापन बना रहेगा तो इसलिए इस बात को समझो कि अभी मेहनत करना ज़रूरी है नहीं तो ये जो बचे हुए थर्टी सेवन परसेंट हैं कैसे जियोगे हैं कैसे जियोगे बताओ देख रहे हो ना अपने आसपास लोगों को देखते हो ना उनका दर्द इतना हैंडसम होने के बाद भी सब कुछ होने के बाद भी स्टिल अकेला लाइक फिर भी डोले शोले भी हैं लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और तुम भी नाम मत लो बिल्कुल नहीं बट स्टिल समझ रहे हो ना अकेलापन इसीलिए इसीलिए बोल रहा हूं अभी पढ़ लो अब तुम लोग यार यारे क्यार यार करने लगते हो यार मैं एक यार क्या बोलता ही नहीं हूं कुछ तुम लोग जबरदस्ती उसको खींच के ले आते हो वॉट इज दिस मैन चलिए देखें जरा

मैं तो उसको कई बार बोला कि शादी कर ले तो वो मेरे को क्या बोलता है पता है हर्षर मेरी तो शादी हो चुकी है तनहाई के साथ अब बताओ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कैसे करवाऊं मैं उसकी शादी वो बेचारा इतना अकेला हो गया अब पेड़ के साथ थोड़ी शादी करवा देंगे तो बेटा थोड़ा समझो चैलेंजेस हैं सक्षम वन गे थर्टी थाउजेंड एकड़ जमीन एक गाय 30 एकड़ जमीन है अरे बाप रे बेटा सक्षम आपका भविष्य बहुत उज्जवल है एक गाय है और तीस हजार एकड़ तो बेटा ये क्या तीस हजार एकड़ में और गाय एक तो मतलब गाय सिर्फ सारा दूध गाय का अपने लिए रखे हो बाकी तीस हजार एकड़ में अनाज उगाते हो ऐसा देखो थोड़ा प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए था ना तीस हजार एकड़ अगर जमीन है तो गाय का नंबर थोड़ा बढ़वाइए आगे चल के बहुत मुश्किल होगी शादी में सही बता रहे हैं। Snuggles, जीवा यू आर हैंडसम धन्यवाद जीवा जी धन्यवाद कविराज यू आर सिक्स पैक्स आर विजिबल यार ये लोग दिल जीत लेंगे बेटा कविराज आप उत्तम हो आप अति उत्तम हो निहारिका सिया चंडेल वी एल ओपी थ्री काउलोप तीन गाय सिया आपके पास तीन गाय बस देखो गांव में जमीन कितनी वो भी लिखना पड़ेगा और अगर आप ये कहना चाहती हो कि शहर में आपके पास तीन गाय है देखो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन शहर में अगर तुम्हारे पास गाय है इसका मतलब तुम गरीब हो गांव में तुम्हारे पास गाय है मतलब तुम अमीर हो तो आपने लिखा नहीं है कि गांव में जमीन कितनी है फिर आपको लोग मतलब गरीब समझेंगे यार शहर में तो गाय लोग कहाँ रखते हैं मैं मैंने तो नहीं देखा कि मेरे अपार्टमेंट में किसी ने गाय बांध रखी हो अपने कार पार्किंग में और अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको सोसाइटी में रहने नहीं देंगे भगा देंगे तुरंत बोलेंगे कार पार्किंग की जगह तुम गाय बांध के रखते हो सही बता रहा हूं तो बेटा सिया थोड़ा देखो पापा को बोलो कि तीन गाय का कुछ करें ए के आर सर की क्रश कौन है वो तो दिया मेंटी हैग दिशांक ओके भारत फाउंडेशन स्टूडेंट हाई फाई हाई फाई भारत। हाई फाई बेटा चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ अब अगला सवाल देखिए सारे लोग ए के आर सर को टीचर्स डे का गिफ्ट दे दो शादी के रूप में अरे तो शादी के लिए कोई हो तब तो तब तो दे है? दूसरा सवाल ध्यान से देखिए सारे लोग जल्दी से और जवाब सही दीजिएगा द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड अभी अभी बताया अब भी अभी, अभी बताया है अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के डिफरेंस को क्या कहते हैं अब भी अभी, अभी बताया है जब पढ़ा रहा था वाई दे हैक नव्या तुम देख नहीं रही हो एक मिंटी पे इंसान की शादी टिकी हुई है तो मिंटी क्यों नहीं हैक करेंगे यार सोचो अगर मिन्टी हैक हो गया उनके अच्छे पॉइंट आ गए तो हो सकता आने वाले कल में उनकी शादी अच्छी हो जाए दैट इज वाई दे हैक और तुम इतने से इतनी सी बात नहीं समझ पा रही इतना दिखाऊंगा शादी को लेके कितना है देखो 63 थ्री परसेंट था पिछला वाला देखो 77 परसेंट हो गया सारे डर के कारण से कोई गलत आंसर अब नहीं देना चाहता है बेचारे अब कुछ अभागे हैं जो ज, ज, जो गलती से जिनका गलत आंसर आ है देखो सारे सही हो गए जैसे ही मैंने बोला शादी नहीं होगी सबके सब सही सब हो गए देखे ये है ये है खौफ बेटा सही है।, 63 है देख रहे हो तो वेरी गुड क्लास साइज इज द राइट आंसर अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट इज क्लास साइज आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए हाँ भाई नलिन बन आ, सारे लोग से, सेम ही है क्या नलिन बंसल सक्षम बिट्टू हैप्पी टीचर्स डे धन्यवाद बिट्टू जी नेहाリカ नितिका हरि गोविंद डाइवोर्स कब है वो शादी तो हुई नहीं बेचारे की डाइवोर्स काहे काहे करा रहे हो सूर्यांश सानवी हाईफाई सर हाईफाई बेटा सानवी और विराज झा विराज झा हरिया नहीं विराज झा तक तो अच्छा नाम लग रहा था उसके बाद हरिया भी है तुम्हारे नाम में बेटा हरि कर लो थोड़ा अच्छा लगेगा लाइक विराज झा हरिया फिर लोग तुम्हारे पता विराज झा नहीं देखेंगे तुमको ऐसे ही बुलाए हरिया इधर आओ बहुत बुरा लगेगा सुनने में विराज झा तक अच्छा है हरिया मतलब पता नहीं ठीक है देख लो भाई जिया हा, हाई फाई बेटा हाई फाई ले हाईफाई हाई फाई ले ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गांव में ऐसे छोटे लोग मतलब जो छोटू ओटू होते हैं उनके नाम ए हरिया इधर आ। उसका नाम हरी को हरिया कर देते हैं चलिए खैर एनिवेज अगला सवाल तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये रहा ध्यान से गिवन बिलो इज अ बाराग्राफ शोइंग द हाइट्स ऑफ सिक्स माउंटेन पीक विच पीक इज द सेकेंड हाइस्ट अच्छा देखो भैया ये, ये तुमको दिख रहा है तो अच्छी बात नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा में दिखा देता हूं आपको ये मिंटी चलो चचा दूसरा अरे यार मुन्नी तुमसे बाद में बात करेंगे अभी जल्दी जल्दी है थोड़ा मुन्नी मुन्ना तुमसे ही बाद में बात करेंगे अरे यार इसके बाद सवाल ही नहीं आएगा रुक जाओ भाई वहीं से देख लो प्लीज डोंट टॉक ड्यूर अरे हाँ जी देखो यार यहां पे मैं ही बताया सेकेंड हाइएस्ट सेकेंड हाइएस्ट में आपको एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड दिख रहा है तो एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड कंचनजंगा है ये तो ऐसे नहीं तो कॉमन सेंस से भी कर लो माउंट एवरेस्ट हाइएस्ट पॉइंट है कंचनजंगा सेकेंड हाइएस्ट है के टू इट नहीं तो सोशल साइंस के दिमाग से कर लेते अरे भाई साहब देखो बच्च बच्चों को डेटा नहीं दिख रहा था फिर भी कर लिए गजब सेवेंटी सेवन परसेंट वेरी गुड बेटा वेरी गुड बहुत बढ़िया तुमने धूम मचा दिया सही है शादी नहीं करेंगे तो फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी ओ भाई फिजिक्स पढ़ाने वाले सारे टीचर तुम्हारे हैं ना क्या करें चलिए खैर कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं अगला अच्छा अब अगला सवाल नहीं पहले कुछ पढ़ाना भी है इसमें सेशन में कुछ पढ़ाने वाला भी है तो देख लेते हैं हाँ जी आ, सारे ऊपर का तो सेम है विराज दिव्यांशु मेंटी हैगड दिशांक ओके जानवी हेलो सर श, शरदी शरदी हाय शरदी एंड देन विपुल डी फ्रॉम लातूर टू काउ पंद्रह एकड़ वाह बेटा विपुल वेरी गुड बेटा विपुल जी अच्छी बात है आपने पूरा जानकारी दिया है अच्छा है भविष्य आपका उज्जवल है चलिए बड़े आगे हाँ जी तो अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पिछले सेशन में बार ग्राफ और हिस्टोग्राम भी पढ़ा था बार ग्राफ क्या होता है बार दूर है तो बार दूर है ये हमेशा याद रखना बार ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जहां पे जो क्वांटिटीज यहाँ पे होती हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती है ये कोई भी चीजें होती हैं जो दूर दूर रखा जा सकता है एक्स एक्सिस पे इसीलिए यहाँ पे जो कॉलम्स होते हैं जो बार होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं ठीक है On the other hand, histogram, uh, histogram में क्या होता है कि हिस्टोग्राम में सारे सटे सटे रहते हैं सटे सटे क्यों रहते हैं क्योंकि ये values होती हैं 140, 150, 160 तो इनके बीच में अपने मन से आप गैप नहीं दे सकते तो हिस्टोग्राम भी वैसा ही रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ का बट जहां पे एक्स एक्सिस पे वैल्यूज आ जाती हैं या यू कह लो कि आपके पास क्लास इंटरवल होता है तो वह क्लास इंटरवल आपको यहां दिखाना होता है तो इस केस में हम कहते हैं कि भैया ये हिस्टोग्राम है और अगर क्लास इंटरवल नहीं है आपके पास रैंडम कोई चीज है जैसे सॉसर खेलने वाले नौ लोग तो इसे हम बारोग्राफ में दिखाते हैं ये हमने पिछले सेशन में कर रखा था ऑलरेडी ठीक है चलिए सर आपको ईमेल किया था आपने देखा नहीं नहीं आप पे ऐसे था बेटा अभिनव मैं अभी तक नहीं देख पाया हूं आज मैं ईमेल देख रहा था सैटरडे है ना तो आज मैं देख के कंप्लीट करता हूं डोंट वरी मेरा भी होमवर्क रहता है काफी होमवर्क में मेरे को एक एक हजार ईमेल पढ़ने पड़ते हैं तो देखता हूँ आज देखता हूँ आज सैटरडे है ना तो सैटरडे संडे अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब बचे हुए जो दो क्वेजेस हैं वो अभी कर लेते हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी के नाम पे इतना ही था तो जो बचे हुए क्वेजेस हैं वो अब कर लेते हैं तो अच्छा ये वाला जो पिछला वाला सेशन क्वेश्चन था तो इसमें देखो ये है सेकेंड हाईएस्ट एट क्योंकि हाइएस्ट तो एट है ये है माउंट एवरेस्ट और सेकेंड हाइएस्ट आपका कंचनजंगा के के टू सेकेंड है ना पता है ना सबको आठ हजार छ सौ फीट आठ हजार सौ मीटर की ऊंचाई पे तो ये रहा और देखो यहाँ पे सबको अलग अलग रखा जा सकता है क्यों क्योंकि इस एक्सेस पे हम वैल्यूज नहीं दिखा रहे हैं अलग अलग नाम दिखा रहे हैं जैसे ये नंगा पर्वत ये अन्नपूर्णा ये कंचनजंगा ये नंदा देवी माउंट एवरेस्ट हिमाद्री समझ रहे हो तो ये अलग अलग है तो इसीलिए इसको यहां पे रख सकते हैं वैसे जस्ट एज अ जनरल नॉलेज आपको पता है क्या कंचनजंगा कौन से देश में है विच कंट्री या फिर किस देश से जाते जाकर इस पर चढ़ाई की जा सकती है कंचनजंगा के टू एनी आइडिया इंडिया? इंडिया 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 अच्छा और आपको पता है माउंट एवरेस्ट कहाँ है माउंट एवरेस्ट इंडिया 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 हाय राम बच्चे गलत कुछ नेपाल बोल रहे आपको बता दूं तो, आपकी जानकारी एवरेस्ट नेपाल में है, मतलब है।, है। चढ़ाई नेपाल से ही कर सकते हैं कंचनजंगा अगेन इंडिया नेपाल दोनों में है बट आपको एक बात समझनी होगी कि चढ़ाई इसकी इंडिया से कर सकते हैं बट नेपाल से भी इसकी चढ़ाई करते हैं इंडिया से और आपको पता होना चाहिए कि, कि कंचनजंगा को माउंट एवरेस्ट से ज्यादा खतरनाक पहाड़ मानते हैं हालांकि दिस इज द हाईएस्ट बट इस पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल है बिकॉज इन कंचनजंगा इन के टू द माउंटेन सो माउंट एवरेस्ट इज लाइक दिस माउंट एवरेस्ट इस तरीके का है आप ऐसे चढ़ते हो बट uh, कंचनजंगा ऐसा है ऐसे फिर ऐसा फिर इस टाइप का तो वहां पे जो चढ़ाई है ना ये बहुत स्टीप है दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वेरी वेरी टफ टेरेन खैर थोड़ा सा ज्ञान दे दिया आगे बढ़ते हैं तो ये तो हो गया आंसर कंचनजंगा अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अगले सवाल के लिए सारे लोग मेंटी पे वापस आ जाएं, आपका यूपी दो कल टीचर्स डे है अच्छा न तुम लोग फिर मजाक करोगे मेरे साथ मेरे को पता है अगला सवाल ध्यान से देखना गिवन बिलो इज अ बार ग्राफ हा? फिर से वही द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ हाइएस्ट एंड स्मोलेट माउंटेन पीक हाइएस्ट और स्मोलेस्ट माउंटेन पीक के बीच का डिफरेंस क्या है तो देखो यहां पे आपको दिख रहा है हाइएस्ट तो माउंट एवरेस्ट है और सबसे लोवेस्ट सबसे कम कौन सा है दिस इज अन्नपूर्णा हाँ अन्नपूर्णा तो अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट एटी एट हंड्रेड और सिक्स थाउजेंड के बीच का डिफरेंस पूछा गया है तो डिफरेंस तो आपको दिख ही रहा होगा एटी 80, एट हंड्रेड और सिक्स थाउजेंड दिस इज ट्वेंटी एट हंड्रेड तो बस लगाइए जल्दी से दिमाग और आंसर दीजिए जल्दी जल्दी देखें ज़रा कितने लोग आंसर देते हैं सर कल लाइव आएंगे नहीं बेटा देखो बेटा मेरी शादी हो चुकी है अभिषेक सर की नहीं हुई है ना मेरी तो हो चुकी है तो मेरी शादी जब हो चुकी है तो मैं तो कोशिश करूंगा ना कि मेरी शादी बची रहे टूट ना जाए अभिषेक सर की नहीं हुई है तो संडे आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हमारी तो बची रहने दो तो, हैं संडे एक दिन हमें भी घर पे ज़रूरत है चलिए हाँजी अट्ठाईस सौ मीटर दैट्स ग्रेट फेंटास्टिक बहुत सारे बच्चे सही है सिक्सटी एट परसेंट तालियां हो जाए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अब अगला सवाल आखिरी सवाल है बट उसके पहले लीडर बोर्ड सेकेंड लास्ट देख लें थैंक्स थैंक्सॉट सारे लोग को थैंक्स अलॉट टीचर्स डे की बधाई आप लोग जो लोग दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद हाँ जी नलिन बिट्टू सक्षम विराज दिव्यांशु सब सेम ही दिख रहे हैं दिव्यांशु इज अ न्यू एडिशन सही में कैसे बात करो अलग सर आपका तो इतना बढ़िया चल रहा है कोचिंग है आप भी वेदांत में नाइन्थ क्लास का क्विज खेलने है वो भी मैथ्स का पढ़ाते तो आप फिजिक्स हो ये अलग सर कैसे मतलब कोई बच्चा होगा चलो कोई बात नहीं निशांत पोंडा सही है बेटा कविराज योर सिक्स पैक्स आर विजिबल दैट्स ग्रेट आस्था ग्रेडेड वेरी गुड फैंटेस्टिक हाँ अब आगे बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ ध्यान से देखिए भाई सर परसों से हम का स्कूल खुल रहा है आकृति हमें पता है इनफैक्ट हमारी पूरी टीम इस बात पे गहन अध्ययन और चर्चा कर रही है कि अब बच्चों का स्कूल खुल रहा है अब वापस से कहते हैं ना पतझड़ के बाद आ, वसंत ऋतु आ पतझड़ के बाद वापस से अच्छी ऋतु आ रही है कौन सी आती है पता नहीं तो वापस बच्चे स्कूल जाएंगे और हमें अपने सेशन की टाइमिंग चेंज करनी होगी क्योंकि अब हम जो बारह एक बजे सेशन करते हैं उस वक्त बच्चे मौजूद नहीं होंगे तो हम इस पर काफी चर्चा कर रहे हैं हमने फोन भी किया था मोदी जी को कि ये मतलब मोदी जी क्या ये स्कूल खुले रहेगा लंबे टाइम तक तो मोदी जी ने बोला कि यार देख लीजिए अभी तो लगता तो ऐसा ही है कि कोविड थम रहा है तो मैक्सिमम जगह हम स्कूल खुलवा देंगे तो फिर जब मोदी जी ने भी बोल ही दिया है कि ठीक है स्कूल खुलवा देंगे तो फिर अब हम लोग भी सोच रहे हैं कि अपना टाइमिंग थोड़ा शिफ्ट करके शाम में करें तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी शाम में टाइमिंग रखने की ताकि आप लोगों का स्कूल खुल जाए उसके बाद भी आप लोग पढ़ सके हमसे ठीक है कोशिश हमारी पूरी जारी है और हम लोग इस पर जल्दी से जल्दी काम कर रहे हैं आखिरी सवाल आपके सामने आने के लिए तड़प रहा है लेट सी द आखिरी सवाल अक्टूबर से टर्म वन है बहुत जल्दी ले ले रहे हैं लेट एम बी द मिड पॉइंट एंड आई बी द अपर क्लास एल बी द अपर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इन अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इज अच्छा बेटा ध्यान से देखो एकदम ध्यान से ये टफ uh, नहीं है सवाल क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि आपके पास लोअर क्लास लिमिट होता है और अपर होता है ठीक है और बीच में मिड पॉइंट होता है तो आपको पता है इसमें मिड पॉइंट को एम दिया हुआ है अपर लिमिट को एल दिया हुआ है लोअर लिमिट हमें नहीं पता एक्स मानते हैं तो आपसे पूछा है लोअर क्लास लिमिट क्या होगा तो आपको इसके बीच का रिलेशन पता है क्या पता है अपर लिमिट लिमिट लोअर डिवाइडेड इज टू यही तो होता है मिड पॉइंट जो क्लास मार्क होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स प्लस एल बराबर टू एम होगा और यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू एम माइनस एल और इस तरीके से 2m एम माइनस एल बी आपका आंसर बन जाएगा कितनों को समझ आया बाबा जी आप बहुत हैंडसम हो, अरे धन्यवाद गुरुसेवक जी आप यहां नौवीं कक्षा में आए हैं ग्यारहवीं से हमें हैंडसम बोलने के लिए दिल जीत लिया आपने सत्य बता रहे चलिए देखें जरा कितने सारे सही हुए वेरी गुड सिक्सटी नाइन परसेंट बच्चे सही हुए वेरी गुड यार बहुत ही बढ़िया शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस का प्रदर्शन करते हुए आप सारे बच्चे रियली ग्रेट really तो अब आखिरी लीडर बोर्ड का विनर दिखाने का वक्त आ गया है सर जी बचपन का प्यार में डांस करो अच्छा बेटा तो आखिरी लीडर बोर्ड देख लेते हैं दिखा देते हैं तो सारे लोग देख लीजिए आखिरी लीडर बोर्ड क्या है तो 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 तो, तो नलिन बंसल बिट्टू हैप्पी टीचर्स डे तो नलिन बंसल विनर दिख रहा है वेरी गुड यार नलिन बंसल के लिए तालियां हो जाए फेंटेस्टिक बेटा बहुत बढ़िया फोड़ दिया तुमने चलिए तो आज का सेशन तो यहीं तक था लेकिन फिर भी मेरा तो मन कर रहा है आप लोगों से कुछ और बातें कर लें कुछ और हाल समाचार ले लें कैसे हो जिंदगी कैसी चल रही है अब तो स्कूल खुलने वाला है खुश महसूस कर रहे हो या फिर दुखी हो कि यार अब वापस घर का आराम छोड़ के स्कूल जाना होगा तो चलो कुछ बातें कर ही लेते हैं वैसे बातें करने के पहले मैं आपको बता दूं, टीचर्स डे है कल तो कल कुछ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है तो आई वुड से कि मैं हमेशा आपको वेदांतु प्रो के बारे में बताता हूं तो मैं अभी बता दे रहा हूं लेकिन अभी परचेज मत करना बस थोड़ा सा हिंट दिया हूं ऐसा करना अभी परचेज मत करना मतलब अभी थोड़ा दो दिन मतलब दो दिन इन देंस कि आज रात तक रुक जाओ और कल से यू कैन एक्चुअली समझ रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा कुछ हो सकता है कुछ ऐसा हो तो ध्यान रखिएगा और बाकी लिंक सारे काम करेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है दैट विल बी वर्किंग फॉर यू गाइस और आपको सारे जो प्यारे प्यारे विशेज और गिफ्ट्स और जो सरप्राइजेस हैं वो इस लिंक पे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे मिल जाएगा तो मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन अच्छा है आप उसको ज़रूर लीजिए और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ट्राई भी करना चाहते होंगे और पूरे साल का भी लेना चाहते होंगे इनफैक्ट अच्छी बात आपको एक और बता दूं जो पहले नहीं थी नौवीं कक्षा के लिए टर्म वन का सिलेबस का कोई प्रावधान नहीं था मतलब ये जो वीडियो है अभी मैं दिखा देता हूं वीडियो लाइक कर देना भाई जो नहीं लाइक किए ये इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ये तो कर ही दो देखो इतना अच्छा मास्टर कहां मिलेगा जो तुम्हारी पूरी शादी करवा दिया तुम्हारे मेंटी में सोचो तुम लोग का नाम आ गया तुम लोग स्क्रीन शॉट ले रख सकते हो दिखाने के लिए लोगों को कि हाँ देखिए हम ही हैं हमारा गांव हमारी गाय हमारे इतने एकड़ खेत आगे चल के ये मास्टर तुम्हारी शादी तक का इंतज़ाम कर दिया इतना अच्छा मास्टर कहाँ मिलेगा तो अब तो बनता है ना चैनल सब्सक्राइब रखो क्योंकि मेरी अच्छाई इस चैनल पे आते रहती है वो टाइम टू टाइम आते रहेगी तो वह आप तक पहुँचेगी कैसे सब्सक्रिप्शन से समझ गए चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ वेदांतु क्लास एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोला इसमें लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू वेदांतु नाउ आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अच्छी बात यह है कि नाइन्थ क्लास में टर्म वन का क्रैश कोर्स आ गया है मतलब आपका सिलेबस टर्म वन का जो होगा वो सिर्फ टर्म वन का सिलेबस अब आप ले सकते हैं जरूरत नहीं है आपको पूरा एक साल के कोर्स लेने की तो आप जैसे ही लिखते हो ग्रेड नाइन टर्म वन क्रैश कोर्स ऑटोमेटिकली आप इसमें आ जाओगे लाइट और क्लासिक लाइट में डाउट सपोर्ट ड्यूरिंग क्लास क्लासिक में ट्वेंटी फोर सेवन डाउट सपोर्ट तो ट्वेंटी फोर सेवन डाउट सपोर्ट आपको सिर्फ सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड में मिल रहा है तो आपका आधा सिलेबस पूरा आधा uh, क्योंकि टर्म वन में आधा सिलेबस आएगा आधा सिलेबस इन ओनली सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड और अब तो लाइट लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि भाई डाउट सपोर्ट यहाँ पे आपको ट्वेंटी फोर सेवन सेम प्राइस में मिल रहा है तो तो आप हमेशा इसी लो, इसी को लोगे तो बस अभी मत थोड़ा रात के बाद बजे के बाद लेना बाई कंप्लीट कोर्स जैसे ही करोगे सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड रुपीज का जो कोर्स है आपका टर्म वन का वो आप तक पहुंच जाएगा क्लियर हैप्पी टीचर्स डे लूट लिया रे <laughs> क्यों भाई क्रॉस ग्रेविंग का लूट लिया रे भाई क्रॉस गेमिंग बोल रहा है लूट लिया रे अब एक अरे क्रॉस गेमिंग देखो ग्रेड नाइन का जो एक साल का कोर्स था ग्रेड नाइन सीबीएसई एक साल का जो कोर्स था ना देखो ये कितने का है क्लासिक क्लासिकर्टी एट थाउजेंड का कोर्स आधा करोगे टर्म वन के लिए तो थर्टी एट का आधा उन्नीस हजार होता है कहा उन्नीस हजार का कोर्स लेते अगर तुम पूरे साल का लेते तो और पूरे साल का लेते तो तुम्हें अड़तीस मतलब थर्टी एट थाउजेंड देना पड़ता है और मान लो इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं टर्म वन टर्म टू तो उन्नीस हजार रुपये टर्म वन उन्नीस हजार रुपये टर्म टू लेकिन अब आपको टर्म वन उन्नीस हजार नहीं बल्कि बस छह हजार तीन सौ में मिल रहा है तो क्रॉस गेमिंग लूट लिया या फिर आबाद कर दिया है फ्री आ रहा है अभी नहीं फ्री तो नहीं आ रहा है वो तो मुश्किल है बेटा फ्री तो मुश्किल है हर हर महादेव चलो सारे समझ गए तो यू कैन एक्चुअली गेट इनटू दिस ठीक है बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है चलिए तो मेरे बच्चों आज का सेशन तो यहीं तक था कुछ बातें कर लेते हैं ए, आपका डाइवर्स कब है नालायक गायब हो जाए यहां से अच्छा बेटा चलिए और कुछ बचा नहीं सर कॉल ए के सर अरे एक यार सर अभी सेशन में होंगे आई वॉन्ट टू ज्वाइन वेदांतो सर बट अब माइंड मिड सेमेस्टर में शुरू से नहीं पढ़ाएंगे अरे नहीं राकेश जी कौन कह रहा है राकेश जी क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है क्रैश कोर्स का मतलब होता है कंप्लीट रिविजन तो जो टर्म वन का क्रैश कोर्स है ना उसमें चैप्टर वन से लेके आपका सारा जितना चैप्टर टर्म वन में आ रहा है वो सारा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा वो क्रैश कोर्स में मतलब थोड़ा फास्ट पढ़ाया जाएगा बिकॉज टाइम कम है बट हाँ आपको पूरा पढ़ाया जाएगा ऐसा नहीं है कि आधा पढ़ाया जाएगा बिल्कुल ऐसा ये सोचना गलत है ठीक है मेरे स्कूल क्यों नहीं खुल रहे हैं प्रियल तुमने पैसे नहीं दिए होंगे एक बार पापा से पूछो पापा स्कूल का पैसा दिया था क्या देखो जब लॉकडाउन हुआ तो स्कूल का पैसा कोई नहीं दिया था सच बता रहा हूँ तो सारे पेरेंट्स ने बोला जब स्कूल ही नहीं तो पैसा का, का। तो प्रियल एक बार पूछो पापा से पापा स्कूल वाले को पैसा दिए थे क्या हो सकता है किसी पेरेंट्स ने स्कूल को पैसा ही नहीं दिया स्कूल बंद हो गया होगा मतलब हमेशा के लिए बंद हो गया होगा हो सकता है प्रिंसिपल उन पर निपट लिए होंगे उसके ये अब तो पैसा आ नहीं रहा है जियेंगे कहाँ से तो प्रियल हो सकता है ये कारण हो और नहीं अगर ज़्यादा चिंतित हो तो एक बार जाके मैं तो कहता हूँ प्रिंसिपल से मिल लो उनको बोलना कम से कम मैडम को मैडम मैं पैसा दे दूंगी आप सुसाइड उड मत करो तो एक बार मिल लेना उनसे सर एट्थ के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है क्या हाँ होता है गूगल सर्च करो बिल्कुल होता है देर इज नो ई एम आई सुहानी इसमें नहीं है इसमें है बजाज फाइनेंस कार्ड पे है टर्म वन का क्रैश देखो इतना सस्ता दिया है इसलिए लोगों ने ई एम आई हटा दिया है क्योंकि हर एक ई एम आई में वेदांतों को अपने साइड से कुछ पैसे देने पड़ते हैं बैंकिंग पार्टनर्स को तो इसीलिए ई uh, एम आई इसमें हटा दिया है वन ईयर वाले कोर्स में ई एम आई है ठीक है शादी नहीं करनी वेरी गुड शशांक तो आप मेंटी फिर क्यों खेल रहे हैं आप चिल मारो टिल चिले चिल, कोई दिक्कत नहीं डू यू प्रोवाइड बुक इन टर्म वन ऑल्सो नो चार भी सर जिसे भी नहीं भी आता हो उसे भी पता चल गया कैसे मेंटी है किया जाता है अच्छा आदित्य तो भाई आपको पता चल गया क्या है इतने जोश में बोल रहे हो uh, ये हु क्या है टीचर्स डे कल है हाँ हाँ कल है तो आज से उसका थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा सर यू पी आई ना बिल्कुल नहीं दूंगा सर यू आर क्यूट थैंक्स अलॉर्डर शू सर मैं विप्रो अभी ले सकता हूँ बिल्कुल ले लीजिए आप अभी ले लीजिए स्वयं जी हमारे प्रिंसिपल सर हैं तो ठीक है मतलब सर से पूछ लेते फिर प्रियल टेंशन में सब रहते हैं और सर लोग तो ज्यादा टेंशन में होंगे क्योंकि सर की जो मैडम है उनको बोल रही होंगी क्या कर रहे हो घर पर बैठे बैठे जाओ जाके स्कूल खोलो कोई बच्चा नहीं आता तो रोड पर बैठ के पढ़ाओ कुछ तो करो तो सर का ज़्यादा टेंशन होगा मैडम होती तो कम टेंशन होता उनके सर होते वो उनको संभाल लेते तो सर से तो जाकर जरूर पर्सनली थोड़ा मिल लेना बोलना सर आप चिंता मत करो हम लोग हैं आपको बहुत दिक्कत है सर तो मैं चंदा इकट्ठा कर देती हूँ आपके लिए थोड़ा उनको हौसला देना ठीक है डू यू लाक लाइक अरिजीत सिंह हाँ अच्छा लगता है आप क्या बात करें आपसे मत कीजिए क्या कौन कह रहा है भाई कुछ भी कर लीजिए या तो सर एक जोक प्लीज अरे जोक आना भी तो चाहिए सर मैंने आपका बचपन का प्यार देखा है यहाँ देख फिर यहाँ आ गया मेरे बचपन का प्यार तुम लोग कैसे देख लोगे मेरे बचपन का प्यार पता नहीं कहाँ होगी आजकल अच्छा गाना अच्छी बात है जाता गड़बड़ा गया बच गया तुम लोग तो कुछ भी बोल देते मैं आपके बचपन के प्यार को देख कर यहाँ आया हूँ सर आप तो इदा का चना हो इदा का चना नो क्या बोले सर मैं यार सर से मोहब्बत करता हूँ वाह एक जमाने में मैं भी उससे मोहब्बत करता था लेकिन इस मोहब्बत में सिर्फ गम है बेटा सिर्फ तन्हाई है क्योंकि उसकी शादी तो तन्हाई से हो चुकी है सोच समझ कर आगे बढ़ना ऐसे मोहब्बत में जिसमें रास्ते सिर्फ वीरान होंगे सर वेन इज वेन ही इज अनमेरिड सर वेन ही इज अनमेरिड पता नहीं फ्री प्लीज धीरेश ये मेरे हाथ में नहीं है सर टर्म वन ऑफलाइन हो रहा है नहीं ऑनलाइन हो रहा है सिंस फ्यू डेज आई एम रियली अनप्रोडक्टिव आई एम रियली ट्राइंग टू पुट अट ऑफ हार्डवर्क बट द आउटपुट इज जीरो प्लीज हेल्प मी स्नेहा ट्राई टू गिव टाइम टू योरसेल्फ डू सम मेडिटेशन इट विल हेल्प यू ओके यार सुनो यार मेरा फोन भी आ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट काम भी है अभी याद आया इतने सारे बच्चों का डाउट ले भी नहीं पाऊंगा एक काम करता हूँ जैसे ही इस वीडियो को बंद करूंगा नीचे कमेंट बॉक्स शुरू हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए आई एल रिप्लाई टू इट एज सुन एज पॉसिबल ठीक है आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सबसे फास्टेस्ट और नहीं तो मेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं मेल है मेरा कनेक्ट हर्ष प्रियम एट द रेट वेदांतो डॉट कॉम लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी आपको रिप्लाई कमेंट बॉक्स में मिलेगा ठीक है तो कमेंट डाल दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय गुड नाइट बाय